हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये डाउनलोड बटन बनाना, जिसमें मैंने एक सिंपल सी हवर इफेक्ट भी ऐड की है। जैसे ही मैं कर्सर को बटन पे लेके जा रही हूँ, देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो ये होती है हवर इफेक्ट। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो हमारा डाउनलोड बटन है ये बिल्कुल वर्किंग है। अभी मैं दिखाती हूँ इसका क्या मतलब है। अभी जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर आपने देखा हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है ये हम लोग देखेंगे कोडिंग में। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करके। तो जल्दी से आते हैं अपने VS कोड पे और इसकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है डाउनलोड बटन, मैं इसे ओपन करूँगी। एंड इस फोल्डर में आने के बाद मैं करूँगी राइट क्लिक एंड यहाँ ओपन विथ कोड पर क्लिक करूँगी। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। मैं इसे कट करती हूँ एंड जल्दी से मैं यहाँ पर फाइल्स क्रिएट कर लेती हूँ HTML एंड CSS के लिए। index.html बनाया मैंने HTML के लिए, style.css ये बनाया मैंने CSS के लिए। तो जल्दी से आ जाते हैं index.html में और यहाँ मैं shift के साथ प्रेस कर रही हूँ 1, एंटर किया मैंने, मेरा HTML का बॉयलर प्लेट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर लेती हूँ डाउनलोड बटन, एंड जो मैंने CSS फाइल बनाई है इसे भी अपने HTML फाइल में लिंक कर लेते हैं। तो अगेन मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ link:css लिख के एंटर करूँगी मैं, मेरा CSS फाइल ऐड हो चुका है HTML में। तो अब आ जाते हैं हम लोग बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक लूँगी जिसमें मैं क्लास ऐड करूँगी कंटेनर, एंड इस कंटेनर के अंदर हम लोग बनाएंगे बटन, डाउनलोड बटन। तो यहाँ पर मैं बटन के लिए मैं बटन एलिमेंट यूज़ ना करके मैं एंकर टैग यूज़ करूँगी। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में कि हम लोग यहाँ एंकर टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ डाउनलोड फाइल, एंड यहाँ मैं गो लाइव पे क्लिक करके इसे अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेती हूँ। तो ये ब्राउज़र पे ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड फाइल आपको दिख रहा है। हम लोग कोड एडिटर और इस ब्राउज़र को साइड बाई साइड ओपन कर लेते हैं। अभी आपको कोड और आउटपुट दोनों एक साथ दिखेगा। एंड अब हम लोग आ जाते हैं style.css में। यहाँ पर जल्दी से मैं जो CSS की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। मार्जिन और पैडिंग को हम लोग ज़ीरो करेंगे सारे एलिमेंट के लिए। बॉक्स साइजिंग मैं करूँगी बॉर्डर बॉक्स, इसे सेव करते हैं। अभी मैं बॉडी टैग के अंदर भी कुछ CSS ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड ऐड कर देती हूँ हल्की सी। सपोज मैं ब्लू, मुझे कलर कोड याद नहीं है, मैंने ब्लू लिखा। मैं यहाँ पर कर्सर को रखूँगी। अब यहाँ से मैं स्क्रॉल करते हुए मुझे कुछ लाइट सा कलर चाहिए। तो ये देखो आपको बैकग्राउंड कलर अभी दिख रहा होगा, चेंज हो गया ये। मुझे इतना भी डार्क नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल लाइट कलर चाहिए। ये सेव किया मैंने, ओके। एंड अभी ये जो बटन आपको दिख रहा है ये मुझे सेंटर में लाना है। तो मैं फ्लेक्स यूज़ करके इसे सेंटर में अलाइन करूँगी। डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगी मैं, अलाइन आइटम्स, सेंटर। तो ये चेंजेस अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने हाइट और विड्थ सेट नहीं किया बॉडी में। तो मैं विड्थ सबसे पहले डालती हूँ 100% एंड हाइट में ऐड कर देती हूँ 100 VH। तो अभी देखो अभी हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। तो अलाइन आइटम से ये मैं करूँगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव किया। तो ये देखो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया, तो ये अभी सेंटर में आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट भी यूज़ कर ले रही हूँ, मुझे एरियल सेंस सेरिफ ऐसा चाहिए। सेव कर दिया मैंने ना, हो गया हमारा। अभी मैंने जो कंटेनर क्लास बनाया था इसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे CSS में। ये देखो ये कंटेनर क्लास बनाया मैंने। कंटेनर क्लास में मुझे बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर ऐड करना है, सेव किया मैंने। कंटेनर में मुझे इतनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है फिलहाल। एंड अब जो मैंने एंकर टैग लिया इसमें हम लोग स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो अभी टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन दिख रही होगी यहाँ पे, उसके उसको हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन पे हम लोग करेंगे नन। किसी भी एंकर एलिमेंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन होती है वो अंडरलाइन होती है, इसे नन करने से ये देखो लाइन जा चुकी है अभी। एंड अभी मैं इसमें एक बैकग्राउंड ऐड कर देती हूँ ताकि आपको ये एक बटन की तरह दिखे। ये बिल्कुल ब्लू कलर है, मुझे ये ब्लू नहीं चाहिए। अगेन मैं स्क्रॉल करूँगी, यहाँ पे
ये कलर मैं ऐड करती हूँ। एंड अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे पैडिंग। तो मैं टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल देती हूँ, लेफ्ट राइट से सपोज मैं 26 एंड अभी एक ये रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है, थोड़ा राउंडेड करेंगे। बॉर्डर रेडियस ऐड करूंगी मैं 20 पिक्सल। अभी देखो अभी आपको ये एक बटन की तरह दिख रहा है, ये कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, मैं इसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पे कलर ऐड करूंगी वाइट, जिससे टेक्स्ट का कलर जो है वाइट हो जाएगा। यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं 20 पिक्सल। ओके 17 रख लिया मैंने। इसे अगर आपको बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट वेट मैं करती हूँ 550। अब बोल्ड या बॉर्डर भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे कर्सर पॉइंटर ऐड करते हैं। अगर आपको टॉप और बॉटम से पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी है तो हम लोग कुछ इस तरह से कर लेते हैं, एंड बॉर्डर रेडियस को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। तो आई थिंक अभी इतना ठीक है। एंड अब जो हमने ये बटन बनाया है इसमें हम लोगों को इफेक्ट ऐड करना है, हॉवर इफेक्ट ऐड करना है। हम लोगों को क्या चाहिए कि जब हम लोग कर्सर इस बटन पे लेके जाए तो इसका जो ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाए। अगर मैं ब्लू लिखूँ, अभी मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो जैसे ही हम कर्सर लेके जा रहे हैं बटन पे तब बैकग्राउंड पूरा ब्लू हो जा रहा है, बट मुझे ये ब्लू नहीं चाहिए। आप लोग इस तरह से कलर एडजस्ट कर सकते हो खुद से अपने अकॉर्डिंग। अभी आते हैं HTML में। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी इस डाउनलोड बटन के अंदर जो टेक्स्ट है यहाँ पे मुझे एक आइकन्स चाहिए, जो डाउनलोड आइकन्स होता है वो आइकन्स। तो वो आइकन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो वो आइकन्स के लिए मैं यूज़ करूँगी फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम CDN। तो आपको जो ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी cdnjs.com, इस पर जाना है डायरेक्ट। एंड यहाँ पे जो आपको इतने सारे लिंक दिख रहे हैं, आपको ये फर्स्ट वाला जो लिंक है इसके लिंक टैग को कॉपी करना है, ये लेटेस्ट वर्जन होता है। तो हम इसे कॉपी करते हैं और जहाँ पे मैंने CSS को लिंक किया था उसके जस्ट नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। मुझे चाहिए आइकन्स। तो अब हम लोग जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। यहाँ मैं फुल स्क्रीन पे कर लेती हूँ फिलहाल इसे। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, यहाँ सर्च पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ आपको हमें कौन सा आइकन चाहिए, हमें डाउनलोड आइकन चाहिए। हम लोग ये कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इतने आइकन्स है, बट ये सारे प्रो है। जो भी आपको फ्री आइकन मिल रहा है तो उस पर क्लिक करना है। मैं ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रही हूँ। एंड यहाँ आपको लिंक मिल गया, लिंक पे क्लिक करना है सिंपली आपको। एंड अब मुझे क्या करना है, इस एंकर टैग के अंदर ही मैंने जो लिंक कॉपी किया उसे मैं पेस्ट कर दूंगी कुछ इस तरह से। ये दिख रहा है आपको, ये इतना मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, इसे मैं सेव करती हूँ। तो ये देखो ये आइकन यहाँ पे आ चुका है CSS में, और जो आइकन है एंकर टैग के अंदर उसे हम लोग CSS में सेलेक्ट करते हैं। और अभी देखो टेक्स्ट और आइकन के बीच में स्पेस हमें ऐड करनी है, तो मैं इसमें मार्जिन ऐड कर देती हूँ राइट साइड से। मैं 10 पिक्सल ऐड करती हूँ एंड सेव करती हूँ। तो ये देखो टेक्स्ट और आइकन के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये हमारा बटन डिज़ाइन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे एक वर्किंग डाउनलोड फाइल कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे एंकर टैग क्यों यूज़ किया, मैंने बटन टैग लेके एक बटन क्यों नहीं बनाया एंकर टैग में। तो ये जो HREF है ये एट्रीब्यूट बटन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ये सिर्फ एंकर एलिमेंट पे एंकर टैग में ही यूज़ होता है। तो मैंने जो आपको ये फोल्डर दिखाया था यहाँ पे मुझे अपने फाइल्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इतने सारे टेक्स्ट फाइल और PDF फाइल आपको दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ। हमारा जो ये फोल्डर है मैं इसे यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो हम लोग आ गए VS कोड में। यहाँ पे देखो आपको अभी ये फाइल दिख रहा होगा जो हमने फोल्डर में ऐड किया। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह के फाइल को ऐड कर सकते हैं, या तो आपको PDF फाइल ऐड करना है, टेक्स्ट फाइल ऐड करना है, वर्ड फाइल ऐड करना है, या HTML फाइल ऐड करना है, जो भी। मैं आपको पहले टेक्स्ट फाइल ऐड करके दिखाती हूँ। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वो एट्रीब्यूट है डाउनलोड। तो जैसे ही मैंने इतना किया मैं सेव करती हूँ इसको। अभी मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ, आपका फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ये देखा आपने। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने बताई आपको।
तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज के लिए बताया है, बट इसमें बहुत सारे लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैंने यहाँ पे इसलिए एंकर टैग यूज़ किया था क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डाउनलोड ये एचरेफ, ये एट्रीब्यूट हम लोग बटन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लोग को ये चीज़ें बटन के थ्रू बनानी है तो फिर हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना होगा इस डाउनलोड बटन को वर्किंग बटन बनाने के लिए। तो क्योंकि ये वीडियो एक बिगनर पर्पज से बनाया है मैंने, तो हम लोग यहाँ पे कोई जावा स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ एक एंकर टैग लेके आपको ये बटन बना के दिखाया है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आप अपनी सीवी को उस बटन में ऐड करना चाहते हो कि आप उस बटन पे क्लिक करके कोई आपके सीवी को डाउनलोड करे, तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट के फाइल को ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे TXT फाइल ऐड किया था, आप PDF फाइल, HTML फाइल, जो भी आपको ऐड करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप जो भी फाइल यहाँ पे ऐड कर रहे हो आपके फोल्डर में ऐड होनी चाहिए, वरना फिर आपको एरर मैसेज मिलेगा, आपका डाउनलोड फेल हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम जो यहाँ पे फाइल ऐड कर रहे हैं वो हमारे फाइल में सेव है, मीन्स हमने जो फोल्डर बनाया है उसमें हमने ऐड किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे डाउनलोड होके ये फाइल मिल जा रही है। ये देखो डाउनलोड किया मैंने, मेरा फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो अगर हमें इस चीज को क्लाइंट साइड पे ऐड करना है, क्लाइंट से इंटरेक्शन करवाना है, तो हम लोगों को एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके हम अपने फाइल को उस सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर कोई भी थर्ड पर्सन या यूजर आपके इस डाउनलोड बटन पे लिंक करके उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। कि अभी जो हमने ये बटन बनाया है और हम ये जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे लोकल कंप्यूटर पे ही रन हो रहा है, क्योंकि ये फाइल हमारे फोल्डर में एडेड है। बट अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे इसे एक्सेस करना चाहोगे तो आपको एरर मिल सकता है कि फाइल नॉट अवेलेबल या फिर फाइल नॉट एग्जिस्ट, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे देखो मैंने एक रॉन्ग PDF यहाँ पे ऐड किया था तो मुझे इस तरह से एरर आ रहा था, फाइल वॉज नॉट अवेलेबल ऑन साइट। तो इस तरह से एरर लोगों को भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ को एक वेब होस्टिंग पे यूज़ करना है, एक वेबसाइट पे यूज़ करना है, तो आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये सिर्फ आपके लोकल कंप्यूटर पे ही काम करेगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने बस आप लोगों के नॉलेज के लिए, आपको ये बताने के लिए कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग कर सकते हैं HTML और CSS को यूज़ करके भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वैल्यूएबल